एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं। वो है एक रिपोर्ट बनाने का तरीका, जिसमें कि आप एक बहुत सारे डेटा को बहुत इजीली चेक कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ। उसके लिए हम सीखेंगे एक सेल में फॉर्मूलाज का ड्रॉप डाउन डालना। आप जितने चाहें उतने फॉर्मूलाज उस ड्रॉप डाउन में डाल सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 8 फॉर्मूलाज ड्रॉप डाउन में डाले हैं। आप देखते हैं कितने डाल सकते हैं। इस शीट को भी जरूर डाउनलोड कीजिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। और आइए सीखते हैं कि किसी रिपोर्ट को एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक सेल में ड्रॉप डाउन में फॉर्मूलाज डाल के कैसे उसको एनालाइज करा जा सकता है। आइए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एंड वेलकम टू माय ई लेसन। मैं हूं आपका गुरु और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ड्रॉप डाउन में आप फॉर्मूलाज कैसे डाल सकते हैं। देखिए यहां पे मेरे पास डेटा है इतना सारा और यहां पे मेरे ड्रॉप डाउन है। अगर इसमें मैं सम लिख रहा हूं तो सम हो रहा है, एवरेज हो रहा है, मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू मेरे को पता चल रही है, सबसे छोटी वैल्यू पता चल रही है, कितने नंबर्स हैं टोटल ये पता चल रहे हैं, कितने सेल खाली हैं ये पता चल रहा है। ऐसे ना जाने कितने फॉर्मूलेज आप डाल सकते हैं और ये बड़े ही आसान तरीके से करा जा सकता है एक्सेल के एक नए फॉर्मूले के साथ जिसका नाम है IFS। सबसे आसान तरीका है ये ड्रॉप डाउन में फॉर्मूला डालने का और अपनी लाइफ आसान बनाने का। अगर आप ऐसी डेटा के साथ रोज काम कर रहे होते हैं जहां पे आपको उसका बहुत सारा मायने निकालने होते हैं, जैसे ये वाला डेटा है अब मेरे पास, अब इसके लिए आप क्या क्या निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे भाई टोटल निकालोगे आप, इसका आप एवरेज निकालोगे, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, खाली सेल कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप निकालना चाहोगे, राइट। तो ये हर बार फॉर्मूला लिखने से अच्छा है कि एक बार लिख दीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन से अपना रिजल्ट कॉपी करते रहिए। तो ये कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पे बनाते हैं इसको नीचे आपके लिए इधर। ऑलराइट, इसको बनाने के लिए मैंने नया फॉर्मूला एक्सेल का इस्तेमाल करा है जिसका नाम है IFS। तो इसको करने के लिए यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देते हैं, इज इक्वल टू IFS। अभी IFS नया फॉर्मूला है, इसमें एक बार आपको कंडीशन दिखा के कई सारी आप वैल्यूज को रिजल्ट में ला सकते हैं। जैसे कि लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले पूछ रहा है कि भाई इस सेल में अगर लिखा हो सम, तो SUM लिख दिया मैंने, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, अपर केस हो लोअर केस हो फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या हो, तो इस पूरी रेंज का सम हो जाए। तो लिखिए सम ब्रैकेट ओपन और ये पूरी रेंज जो है इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज कॉमा और वापस चल लेते हैं ऊपर ऐसे। अब पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट टू कि वापस से अगर ये वाला सेल इज इक्वल टू कोट्स में एवरेज, ध्यान रखिए कि आपको फॉर्मूले का नाम कोट्स में लिखना है यहां पर, फिर अगर एवरेज लिखा हो तो क्या हो, तो एवरेज फॉर्मूला लगा दीजिए हमारा ऐसे, एवरेज लिखिए कोट्स ओपन कीजिए और ये वाली रेंज वापस से सेलेक्ट कर लीजिए आप, ये देखिए और ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज कॉमा लिख दीजिए, तो आपकी अगली कंडीशन आ गई लॉजिकल टेस्ट 3। जितने चाहे फॉर्मूला डाल दीजिए। तो लॉजिकल टेस्ट 3 में क्या होगा, इज इक्वल टू ये वाला सेल इज इक्वल टू कोट्स में मैक्स कॉमा, तो फॉर्मूला लगा देंगे मैक्स का कि सबसे बड़ी वैल्यू मैक्स से ले आइए और रेंज हमारी ले लीजिए। इस बार रेंज में टाइप कर देता हूं A3 से लेके A57 तक, ब्रैकेट क्लोज कॉमा, देख रहे हैं आप। फिर मैं एक और लॉजिकल टेस्ट लिखता हूं कि भाई ये वाला सेल इज इक्वल टू COUNT काउंट कॉमा, तो क्या होना चाहिए, लगना चाहिए फॉर्मूला काउंट का, ब्रैकेट ओपन और यही वाली रेंज हमारी, ब्रैकेट के अंदर A3 से लेके A57 तक, ब्रैकेट क्लोज। एक और कंडीशन, खाली सेल भी चाहिए हमको, तो इज इक्वल टू काउंट वेल लिखेंगे ये वाला सेल इज इक्वल टू कोट्स में काउंट ब्लैंक, ठीक है, और
रेंज क्या है हमारी, A3 से लेके A57 तक, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। देखिए NA आ रहा है, गलती कुछ नहीं करा क्योंकि यहां कुछ लिखा ही नहीं है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सम। इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा कर देते हैं हम, ये देखिए सम लिख दिया मैंने, एवरेज लिखा तो एवरेज आ गया। इसके हम यहां से डेसिमल पॉइंट कम कर देते हैं, मैक्स लिखते हैं यहां पे, अब मिन लिखते हैं हम यहां पर। हमने मिन का फॉर्मूला लगाया ही नहीं, वो आप लगा लीजिएगा। मैक्स आ गया, देखिए काउंट लिखा, काउंट ब्लैंक लिखा, सब काम कर रहा है, देख रहे हैं आप। ये शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट myelesson.org से। देखिए 4 सेल ब्लैंक हैं, और इस फाइल का लिंक भी ड्रॉप डाउन में आपको, इस फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ड्रॉप डाउन बनाना सीखना है। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लगाना है, देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन आया हुआ है, यहाँ पे कैसे लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जाएंगे डेटा में, जाएंगे यहाँ पे डेटा टूल्स में और डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे चुनेंगे हम लिस्ट, और यहाँ पे टाइप कर सकते हो आप सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ब्लैंक, जो जो आपको फॉर्मूले चाहिए वो यहां पे लिख दीजिए आप अपने हिसाब से। आप कस्टम फॉर्मूला बना सकते हैं, ओके कर दीजिए। ये देखिए आ गया सम, एवरेज, मैक्स, मिन हमने लगाया ही नहीं है, रिमेंबर वो आपने लगाना है, आपका एग्जाम है, काउंट और काउंट ब्लैंक। इतना आसान हो गया, सुपर इजी है कि नहीं है। इस तरह से आप IFS फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को बहुत सारी जगहों में लगाया जा सकता है, जहां पे आपको मल्टीपल कंडीशंस डालनी है IFS फॉर्मूला आप डाल दीजिए। ये 150 से ऊपर कंडीशंस पे काम करता है, तो बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का जो कि कल आएगा। तब तक के लिए दिस इज योर गुरु नाउ साइनिंग ऑफ फॉर द डे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।